इन माई लास्ट वीडियो आई डिस्कस्ड अबाउट द नेटवर्किंग. नेटवर्किंग क्या है? नेटवर्किंग मीन्स जस्ट ग्रुपिंग. किसी भी चीज के ग्रुप को हम नेटवर्क कहते हैं. इन ए ग्रुपिंग वी कैन शेयर ए कॉमन रिसोर्स. अगर हमारा कोई ग्रुप है तो उस ग्रुप में हम किसी एक कॉमन रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं. और नेटवर्किंग एक कंप्यूटर्स का ग्रुप है और इस ग्रुप में हम किसी भी एक डेटा को शेयर कर सकते हैं. तो यही था नेटवर्किंग. सो वी कैन अचीव दिस नेटवर्किंग यूजिंग टू वेज. पहला तरीका है वायर. यूजिंग वायर वी कैन अचीव नेटवर्किंग. एंड द सेकेंड वे इज वायरलेस. ओके, सो फर्स्टली आई विल टेल यू दैट इन वायर नेटवर्किंग which components आर मैंडेटरी. यानी कि पहली जो हम वायर के थ्रू नेटवर्किंग करेंगे उसमें किस तरह की नेटवर्किंग कंपोनेंट्स की जरूरत होती है. फर्स्ट पॉइंट इज NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. पहले तो ये समझिए कि NIC का वर्क क्या होता है. एक नेटवर्किंग में सपोज 10 कंप्यूटर्स हैं तो एक कंप्यूटर की डेटा केबल जो है, एक कंप्यूटर की जो केबल है उस केबल में से डेटा दूसरे कंप्यूटर की केबल में ट्रांसफर करने का वर्क NIC करता है. ओके, अब NIC क्या है? ये जो कार्ड आपको दिखाई दे रहा है दिस इज NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड विद RJ45 पोर्ट. ये जो पोर्ट है दिस पोर्ट इज नोन एज RJ45 पोर्ट. ओके, वर्क भी आप लोग समझ गए हैं कि क्या होता है, कि बस एक कंप्यूटर की केबल का डेटा दूसरे कंप्यूटर की केबल में ट्रांसफर करने का वर्क ही NIC करता है. नेक्स्ट पॉइंट, जो नेक्स्ट टूल हमें कौन सा जरूरी है नेटवर्किंग करने के लिए, वायर वाली. सेकंड पॉइंट इज ट्विस्टेड पेयर केबल. इसे एथरनेट केबल भी कहा जाता है. ओके, इन दिस केबल यू कैन सी 8 वायर्स, द पेयर ऑफ 2 वायर्स एंड दिस 4 पेयर्स कंटेन्स टोटल 8 वायर्स. So, ये होती है ट्विस्टेड पेयर केबल. ओके, दो पॉइंट्स हो चुके हैं. पहला है NIC, सेकंड है आपका ट्विस्टेड पेयर केबल. थर्ड जो हमें चीज चाहिए होती है इसमें वो है RJ45 कनेक्टर. RJ45 पोर्ट अलग था, RJ45 कनेक्टर ये होता है. तीन टूल्स हो चुके हैं, तीन कंपोनेंट्स भी आप इन्हें कह सकते हैं. आफ्टर कनेक्टिंग RJ45 कनेक्टर विद ट्विस्टेड पेयर केबल इट लुक्स लाइक दिस. इस तरह से दिखाई देता है. एंड इन द लास्ट, जब RJ कनेक्टर 45 आपकी जो ट्विस्टेड पेयर केबल है उसमें एड कर दिया जाता है तो ये RJ45 कनेक्टर में इस तरह से फिट हो जाता है. तो ये पहला तरीका था जिसमें हमने कुछ कंपोनेंट्स पढ़े हैं. पहला है NIC, दूसरा था आपका ट्विस्टेड पेयर केबल, एंड देन RJ45 कनेक्टर. इन तीनों को हमने ऐड कर दिया तो इस तरह से ये वर्क करता है. ठीक, इसके बाद एक और चीज की जरूरत होती है हमें वायर नेटवर्किंग करने के लिए, एंड दैट इज हब. ये जो हब आपको दिखाई दे रहा है, ए नेटवर्क हब इज ए डिवाइस दैट अलाउज मल्टीपल कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर ओवर इन नेटवर्क. जब नेटवर्किंग करी जाती है तो उस नेटवर्किंग में जो भी जितने भी हम कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं उन कंप्यूटर्स की डेटा केबल जो होती है उनको इन्हीं RJ45 कनेक्टर्स में ऐड कर दिया जाता है. और ये RJ45 कनेक्टर्स जो होते हैं ये एक हब में होते हैं. ठीक है, अब ये हब कैसे वर्क करता है? सपोज कीजिए कि आपका ये वाला जो फर्स्ट PC है, ठीक है, इसे डेटा ट्रांसफर करना है. तो यहां से डेटा ट्रांसफर होगा आपका. डेटा ट्रांसफर होने के बाद ये यहां पर जितने भी PC कनेक्ट हैं इस हब से उन सभी के पास चला जाएगा. क्लियर? इसका लाइव एग्जांपल है ये आपका एक्सटेंशन बोर्ड. अगर ये जो इसका स्विच है, ये जो इसका पावर प्लग है, इसको हम लोग आपका मतलब प्लग में लगा देंगे इसको तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा और जितने भी डिवाइसेस इसमें कनेक्ट हो जाएंगी वो सब में एक साथ पावर सप्लाई पहुंचेगा, करंट एक साथ सब में पहुंचेगा. यही वर्क होता है हब का. एक बार
कोई डेटा ट्रांसफर करता है तो वो सभी के पास पहुंच जाता है, ठीक है। तो हब, और अगर आप हब के अलावा भी चाहते हैं तो स्विच का इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब स्विच का यूज कैसे होता है, ए स्विच इज ए हाई स्पीड डिवाइस दैट रिसीव्स इनकमिंग डेटा एंड रिडायरेक्ट्स देम टू देयर डेस्टिनेशन। देखिए हब और स्विच में क्या डिफरेंस होता है कि हब में तो अगर डेटा यहां से जाएगा, ट्रांसफर करेंगे हम फर्स्ट पीसी से, तो वो सभी पीसी में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन स्विच में क्या होता है कि अगर ये आपका जो फर्स्ट पीसी है और ये फोर्थ पीसी को ट्रांसफर करना चाहता है डेटा, तो सिर्फ यहां से डेटा सिर्फ फोर्थ में ही जाएगा, टू और थ्री वाले जो कंप्यूटर है उनके पास डेटा नहीं जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है आपके हब और स्विच के अंदर। स्विच का एक लाइव एग्जांपल होता है जैसे कि ये वाला आपका एक्सटेंशन बोर्ड है, ठीक है। अब आप देखेंगे इसमें हर पोर्ट पर एक स्विच दिया हुआ है, ठीक है। जब पावर सप्लाई इसमें होगा एक्सटेंशन बोर्ड के अंदर, तो जिस भी आपकी डिवाइस को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी, अगर आप स्विच उसका ऑन कर देंगे तो उसको डिवाइस को इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगा। तो इसी तरीके से हब और स्विच वर्क करते हैं। हब में अगर डेटा ट्रांसफर हो गया है तो उससे कनेक्टेड सभी कंप्यूटर्स को वो डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन स्विच के केस में अगर आपका फर्स्ट पीसी से डेटा गया है फोर्थ के लिए, तो सिर्फ फोर्थ में ही वो डेटा ट्रांसफर होगा। तो ये कुछ टूल्स थे, यही कुछ कंपोनेंट्स थी जो कि आपकी वायर्ड नेटवर्किंग में जरूरी होती है। पहला था आपका एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ट्विस्टेड पेयर केबल सेकंड हो गया, थर्ड है आपका RJ45 कनेक्टर भी एक जरूरी होता है। इसके अलावा आप हब एंड स्विच का भी यूज इसमें कर सकते हैं। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द वायरलेस नेटवर्किंग। अगर हम लोग वायरलेस नेटवर्किंग करते हैं तो उसमें किस तरह के हमको टूल्स की, किस तरह के कंपोनेंट्स की जरूरत होती है, ये देख लेते हैं। यहां पर आपका फर्स्ट पॉइंट आ रहा है वायरलेस इंटरफेस कार्ड, ठीक है। इसका लुक कुछ इस तरह से दिखाई देता है आपको। इन दिस रेडियो सिग्नल्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग डेटा इंस्टेड ऑफ एथरनेट केबल्स। जैसा कि आपने वायर्ड नेटवर्किंग में देखा था कि वहां पर हमें एथरनेट केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज करना पड़ा था डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, तो आपके वायरलेस नेटवर्किंग के अंदर सिर्फ रेडियो सिग्नल्स का यूज करा जाता है। और ये रेडियो सिग्नल्स कौन जनरेट करता है, आपके वायरलेस इंटरफेस कार्ड जनरेट करता है। सेकेंड पॉइंट पर, वायरलेस नेटवर्किंग में हमें जरूरत होती है राउटर्स की, ठीक है। ये डिवाइस है जो राउटर है। राउटर इंक्रीज द कम्युनिकेशन रेंज ऑफ रेडियो सिग्नल्स। जो भी रेडियो सिग्नल्स जनरेट करता है आपका वायरलेस इंटरफेस कार्ड, उसकी रेंज को बढ़ा देता है। इट इज यूज टू कनेक्ट टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेटवर्क। अब कैसे वर्क करता है ये भी एग्जांपल देख लीजिए आप। यहां पर हमारा राउटर है, ये हमारा फर्स्ट कंप्यूटर लैब है जिसमें हब के थ्रू हमने कुछ पीसीज को कनेक्ट किया हुआ है, और ये हमारा सर्वर कंप्यूटर है। ये दूसरा सेकंड लैब है जिसमें भी कुछ कंप्यूटर्स हैं और स्विच के अकॉर्डिंग हमने इनको कनेक्ट किया हुआ है, और ये हमारा सर्वर कंप्यूटर है, ठीक है। अब यहां पर हमने हब का यूज किया है, यहां पर स्विच का यूज किया है। इट मीन्स कि वायर्ड नेटवर्किंग के अंदर हम हब या स्विच किसी का भी यूज कर सकते हैं। हब में क्या होता है कि अगर ये सर्वर डेटा ट्रांसफर करेगा तो वो सबको ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन स्विच में क्या होता है कि सर्वर कंप्यूटर अगर हमारे सपोज इस वाले पीसी को डेटा ट्रांसफर करना चाहता है तो बस इसी को डेटा ट्रांसफर होगा। तो हब और स्विच में तो डिफरेंस यहां पर आपको दिख ही रहा है। इसके अलावा ये हमारा एक नेटवर्क हो चुका है और ये हमारा सेकंड नेटवर्क हो चुका है। तो ये दो डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए हम लोग राउटर का यूज करते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट लैब है और ये सेकंड लैब है। दोनों लैब्स को अगर हमें कनेक्ट करना है वायरलेसली, देन वी विल यूज राउटर। तो यही दो वे थे नेटवर्किंग करने के। पहले वायर था, दूसरा आपका वायरलेस था। वायर नेटवर्किंग में मैंने आपको बता दिया एनआईसी, ट्विस्टेड पेयर केबल और आपका RJ45 कनेक्टर, हब एंड स्विच का यूज किया जाता है। और वायरलेस, आपकी वायरलेस नेटवर्किंग के अंदर आपके लिए वायरलेस इंटरफेस कार्ड और राउटर का यूज किया जाता है। तो दीज आर द टू वेज टू मेक ए नेटवर्किंग। ओके, सो इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल कम विद ए न्यू टॉपिक। टिल देन स्टे होम, बी सेफ, बाय।